शराब माफिया और साथी ठेकेदार सहित अन्य लोगों को यहाँ पर अनाधिकृत तौर पर लाभ पहुंचाते हुए करोड़ों रुपए के बैंक गारंटी फर्जीवाड़े में बुधवार शाम को यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। दरअसल अधूरे दस्तावेजों के यहाँ पर आधार पर ही बैंक गारंटी और साथ ही ओवरड्राफ्ट के शराब ठेके लेने के मामले में सामने आने के बाद यहाँ पर ईओडब्ल्यू को भी पंजाब एंड सिंध बैंक की मिलीभगत की यहाँ पर जानकारी मिली, तो यहाँ पर हैरान रह गए। और आपको बता दें कि मामला सामने आया और दरअसल 150 करोड़ रुपए के यहाँ पर बैंक घोटाले मामले में यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने पंजाब एंड सिंध बैंक के राजवाड़ा स्थित ऑफिस पर छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि शराब ठेके के यहाँ पर मामले में हर साल फरवरी में लगने वाली शराब ठेकों की बोली से पहले हर ठेकेदार को 12% की बैंक गारंटी देनी होती है और बची हुई यहाँ पर राशि किस्तों के जमा करनी होती है। वहीं इस मामले में शराब ठेकेदारों ने अधूरे दस्तावेजों के आधार पर ही गारंटी लेकर ठेके ले लिए, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं और साथ ही शिकायत ईओडब्ल्यू तक पहुंची, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और मैं पंजाब एंड सिंध बैंक जो राजवाड़ा शाखा है उसके द्वारा 2011 से लेके और अभी तक जितने भी जो बैंक गारंटी खासकर आबकारी से संबंधित जो ठेकेदार हैं उनको दी गई है अन्य विभिन्न ग्रुपों को, उसका आधार क्या है और बैंक गारंटी के अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टीज इनके द्वारा बताई गई है उन सबकी तस्दीक किया जाना है और इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा बैंक से दस्तावेज चाहे गए हैं। बैंक से दस्तावेज आने के बाद उसका पूरा आकलन हम करा पाएंगे कि कितने लाख की बैंक गारंटी है और बैंक गारंटी सही दस्तावेजों के आधार पर और सही तथ्यों के आधार पर दी गई है कि नहीं दी गई है, ये इसकी हम जानते हैं।